आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7,500 बहनों बेटियों ने एक साथ चरखे पर सूत काटकर नया इतिहास रच दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी कुछ पल चरखे पर हाथ आजमाने का, सूत कातने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए आज ये चरखा चलाना कुछ भावुक पल भी थी। मुझे मेरे बचपन की ओर ले गई, क्योंकि हमारे छोटे से घर में एक कोने में ये सारी चीजें रहती थी और हमारी मां आर्थिक उपार्जन को ध्यान में रखते हुए जब भी समय मिलता था वो सूत कातने के लिए बैठती थी। आज वो चित्र भी मेरे ध्यान में फिर से एक बार पुनस्मरण हो आया। और जब इस सारी चीजों को मैं देखता हूं, आज या पहले भी, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे एक भक्त भगवान की पूजा जिस प्रकार से करता है, जिन पूजा की सामग्री का उपयोग करता है, ऐसा लगता है इस सूत कातने की प्रक्रिया भी जैसे ईश्वर की आराधना से कम नहीं है। जैसे चरखा आजादी के आंदोलन में देश की धड़कन बन गया था, वैसा ही स्पंदन आज मैं यहां साबरमती के तट पर महसूस कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद सभी लोग इस आयोजन को देख रहे, सभी लोग आज यहां खादी उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज खादी महोत्सव करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया है।